लेसन नंबर 5, दैनिक जीवन में रसायन। हम पिछली कक्षा में पढ़ रहे थे अम्ल और क्षार के सामान्य गुण। पहला गुण हमने देखा था कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, अम्ल क्या करते हैं नीले लिटमस को लाल। नेक्स्ट क्षार, क्षार क्या करते हैं बताया था ना आपको, लाल लिटमस को नीला। लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। इसके बाद आपको तीसरा टॉपिक बताया था धातुओं के साथ क्रिया। धातुओं के साथ क्रिया, तो देखिए बच्चों, अगर धातु की क्रिया अम्ल के साथ कराई जाए तो लवण व हाइड्रोजन गैस, ये तीर का निशान ऊपर की तरफ है मतलब गैस, हाइड्रोजन गैस निकलती है। जैसे कि हमने एक प्रैक्टिकल भी बताया था आपको कि जिंक को छोटे छोटे टुकड़ों को जब H2SO4 में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन, और क्या बनेगा, लवण। लवण क्या बनेगा बच्चों, ZnSO4, और हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है, बाहर निकलती है। इसके बाद ये हमने अम्लों की क्रिया बताई थी, लेकिन सभी जितने भी क्षार हैं वो सभी के सभी धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देते। तो हम बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, कि सभी क्षार धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देते, कुछ तो दे देंगे अधिकतर नहीं देंगे। तो ये हमारा क्या था, तीन हमने बिंदु बताए थे, धातुओं के साथ क्रिया, नीले लिटमस लाल लिटमस के साथ क्रिया। नेक्स्ट बच्चों देखिएगा, ये प्रैक्टिकल मैंने आपको बता दिया था। चौथे नंबर पर हम देखते हैं धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया। धातु ऑक्साइड के साथ अम्ल क्रिया करते हैं क्योंकि धातु ऑक्साइड क्षारीय होता है और क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो धातु ऑक्साइड किससे क्रिया करेगा, अम्ल से, किससे क्रिया करेगा, अम्ल से, और क्या बनाएगा बच्चों, लवण और जल, लवण व जल, ठीक है। वह की जगह हम अभिक्रिया लिखते हैं तो प्लस ही लगाएंगे कि लवण और जल बनेगा, प्लस का मतलब लवण बनेगा और क्या बनेगा, जल बनेगा। जैसे देखिएगा बच्चों, CuO कॉपर ऑक्साइड है, इसकी क्रिया जब हम HCl से कराते हैं, किससे कराते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो बनेगा बच्चों CuCl2 और जल बनेगा यानी कि लवण। CuCl2 है लवण और साथ में क्या बनता है, जल। तो जब धातु ऑक्साइड की क्रिया अम्ल से कराते हैं तो बनता है लवण तथा जल। तो यहां पर देखिएगा CuO कॉपर ऑक्साइड है, इसकी क्रिया जब हम HCl से कराते हैं तो बनता है CuCl2 और जल। नोट कीजिए,
तो ये हमने अभी धातु ऑक्साइड के साथ अम्ल की क्रिया कराई। धातु ऑक्साइड के साथ क्षार क्रिया नहीं करते, ये अधातु ऑक्साइड के साथ करते हैं, अधात्विक ऑक्साइड। अधात्विक जो धातु से बने नहीं होते, किससे बने होते हैं? अधातु से। अधातु कौन कौन से हैं? जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सब अधातु है। तो इनके जो ऑक्साइड है इनसे क्रिया करते हैं क्षार। तो नेक्स्ट पांचवा नंबर हम बताते हैं, अधातु ऑक्साइड अधात्विक, जो धातु नहीं है अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया। अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया कौन करेगा बच्चों? क्षार करेंगे। तो देखिएगा यहां पर अधातु ऑक्साइड है, अधातु ऑक्साइड, और इसकी क्रिया किससे कराएं? अगर हम क्षार से कराएं तो बनता है लवण व जल, लवण प्लस जल बनता है। किससे क्रिया कराने पर? अधातु ऑक्साइड से क्रिया कराने पर। किसकी क्रिया कराने पर? क्षार की क्रिया कराने पर। तो देखिए बच्चों, अधातु ऑक्साइड में हम लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कार्बन अधातु है, इसका ऑक्साइड हो गया CO2, और जब इसकी क्रिया हम CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कौन सा क्षार है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं तो देखिए बच्चों, लवण बनेगा और जल बनेगा। तो लवण में बनता है CaCO3, और क्या बनता है? जल। तो देखिए अधातु ऑक्साइड से क्षार क्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं? लवण तथा जल। तो ये हमारी पांचवी क्रिया थी, अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया। नोट कीजिए, नेक्स्ट बच्चों देखिएगा, अगर हम अम्ल को या क्षार को किसमें मिला दें? जल में मिला दें, तो ये बन जाता है अम्ल या क्षार का जलीय विलयन, जलीय विलयन। ये जो जलीय विलयन है, अगर इसमें जैसे कि हमने यहां पे अम्ल या क्षार का जलीय विलयन बनाया, ये जल डाल दिया, किसमें डाल दिया? अम्ल या क्षार में। अब हम यहां पर विद्युत धारा प्रवाहित करें तो इसमें विद्युत धारा इजीली प्रवाहित हो जाती है, और जिसमें धारा विद्युत धारा इजीली प्रवाहित हो जाती है उसे कहते हैं हम विद्युत का सुचालक। क्या कहेंगे बच्चों? विद्युत का सुचालक। जिसमें विद्युत धारा इजीली आराम से पास हो जाती है वो होते हैं विद्युत के सुचालक। तो अम्ल या क्षार का जलीय विलयन बनाएं, जल के साथ मिलाएं, तो ये जो जलीय विलयन है अम्ल या क्षार का, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये क्या होती है? विद्युत धारा इसमें से प्रवाहित हो जाती है। तो ये क्या है? अम्ल और क्षार क्या है? विद्युत के सुचालक। तो हम बता सकते हैं कि अम्ल या क्षार का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है, या विद्युत सुचालक होता है, विद्युत सुचालक होता है। अतः ये जो जलीय विलयन बने हैं ना अम्ल और क्षार, तो ये विद्युत अपघट्य यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित करने के काम में आते हैं। अतः इनके जलीय विलयन विद्युत अपघट्य होते हैं। कैसे होते हैं? विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, इसलिए इनको बोल दिया विद्युत अपघट्य होते हैं।
तो अम्लीय क्षार के जलीय विलयन क्या करते हैं, इनमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, इसलिए कैसे होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, और विद्युत के सुचालक हैं इसलिए इनको क्या बोला जाता है, इनके जलीय विलयन को विद्युत अपघट्य, अतः ये कैसे होते हैं, विद्युत अपघट्य होते हैं। नोट कीजिए बच्चों, नेक्स्ट देखिए बच्चों, पहले हम पढ़ चुके हैं उदासीनीकरण की अभिक्रिया, तो अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करके, आपस में क्रिया करके लवण व जल, लवण व जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण, उदासीनीकरण, उदासीनीकरण कहते हैं। देखिए बच्चों, अम्ल और क्षार दोनों ने आपस में क्रिया की और क्रिया करने के बाद बने लवण तथा जल, क्या बने, लवण तथा जल बने। अभिक्रिया बता देते हैं हम, अभिक्रिया देखिए बच्चों, अम्ल ले लेते हैं हम HCl और क्षार ले लेते हैं NaOH, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, बताया था ना, जिसमें H अम्ल, जिसमें OH क्षार। कौन सी थी ये थ्योरी, आरहेनियस थ्योरी बताई थी आपको, कि जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, H आयन देते हैं वो होते हैं अम्ल, और जो OH आयन देते हैं वो क्या होते हैं, क्षार, बताई थी ना आपको आरहेनियस थ्योरी। तो ये अम्ल है और ये क्षार है, इनकी क्रिया से बनेगा लवण, लवण बनेगा NaCl, और क्या बनेगा, जल, जल क्या बनेगा, H2O। तो अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण तथा जल, और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम, उदासीनीकरण। अभिक्रिया भी देख लीजिए, लिख लीजिए इसे। तो ये बच्चों अभी हमने देखे हैं अम्ल और क्षार के सामान्य गुण, अब हम इनके उपयोग देख लेते हैं, अम्ल और क्षार के उपयोग, क्या क्या उपयोग हैं इनके, ये बताते हैं हम आपको। तो नेक्स्ट देखिए बच्चों, उपयोग किसके उपयोग हैं, अम्ल और क्षार के। अभी आपको पिछली क्लास में बताया था, क्या बताया था, कि जो पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रबल अम्ल, और जो पूरी तरीके से आयनित नहीं होते वो कहलाते हैं दुर्बल अम्ल। तो देखिए प्रबल अम्ल कौन कौन से थे, HCl बताया था आपको, कौन कौन से प्रबल अम्ल है, HCl, और कौन सा था, HNO3, और कौन सा था बच्चों, H2SO4। जो प्रबल अम्ल है वो ये है ना, HCl, HNO3 और H2SO4। अब देखिए बच्चों, ये तीनों जो अम्ल है इन्हें हम कहते हैं खनिज लवण, सॉरी खनिज अम्ल। ये तीनों कौन कौन से, ये तीनों ये क्या कहलाते हैं बच्चों, खनिज अम्ल। तो HCl, HNO3, H2SO4 खनिज अम्ल कहलाते हैं।
और इनका उपयोग होता है, दूसरा बिंदु हम बता रहे हैं, खनिज अम्लों का उपयोग। उद्योग धंधे, उद्योग धंधे जैसे कि उर्वरक बनाना, पेंट बनाना, औषधि, उद्योग धंधे जैसे उर्वरक, पेंट और औषधि बनाने में किया जाता है, किया जाता है। क्या बच्चों? HCl, HNO3, H2SO4 खनिज अम्ल कहलाते हैं और इनका उपयोग कहां किया जाता है? उद्योग धंधे, उर्वरक, पेंट और औषधि बनाने में। अब देखिए बच्चों, आपने देखा होगा कि जब हमें चींटी काटती है तो रेड हो जाता है उस जगह से, या फिर मधुमक्खी काटती है तो रेड हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर अपने अंदर बना हुआ अम्ल भेजते हैं। अम्ल भेजने के कारण जो हमारी सेल्स होती हैं, जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, वो क्या हो जाती हैं, उत्तेजित हो जाती हैं और स्वेलिंग आ जाती है और हमें पेन होता है। तो जो चींटी है, जैसे वो है मधुमक्खी है, इनमें क्या पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है। तो पौधों और जंतुओं में प्राकृतिक रूप से अम्ल पाए जाते हैं। अच्छा, आप बोलेंगे कि मैडम पौधों में कौन से, तो जैसे भिंडी होती है ना, भिंडी के पौधों के हाथ लगाना आप तो आपके खुजली चलने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि उनकी पत्तियों में भी क्या होता है, अम्ल होता है, जो हमारे शरीर से छूता है तो हमें खुजली करने लग जाता है। तो पौधों और जंतुओं में प्राकृतिक रूप से अम्ल पाए जाते हैं, ठीक है, और इन प्राकृतिक अम्लों को कार्बनिक अम्ल कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों? कार्बनिक अम्ल कहते हैं। जैसे अभी अभी बताया था ना आपको, जैसे क्या, जैसे फॉर्मिक अम्ल, नींबू। नींबू में कौन सा अम्ल बताया था आपको शुरुआत में? सिट्रिक अम्ल आदि, है ना, ठीक है। तो ये क्या क्या है, अभी हमने उपयोग बता रहे हैं, जिसमें हमने खनिज अम्ल बताए हैं HCl, HNO3 और H2SO4, और पौधों और जंतुओं में जो अम्ल पाए जाएंगे वो कहलाएंगे कार्बनिक अम्ल, जैसे कि फॉर्मिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। नोट कीजिए बच्चों, कुछ धातुएं ऐसी होती हैं किसी में भी नहीं घुलती, जैसे कि सोना। सोना किसी भी अम्ल में या अलग से क्षार में नहीं घुलता। बच्चों अभी वक्त हो चला है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है बच्चों आपका। तो हम उपयोग कर रहे थे और अभी मैं आपको बता रही थी कि कुछ धातुएं जैसे कि किसी भी चीज में नहीं घुलती, ना तो अम्लों में ना क्षार में, तो ऐसी धातुएं घुल जाती है एक्वारेजिया या अम्लराज में। तो ये अम्लराज या एक्वारेजिया क्या है? HNO3 एक भाग लें और उसका तीन गुना ले लें हम HCl, कितना ले ले? तीन गुना। एक भाग तो क्या ले हम HNO3 और तीन गुना क्या ले ले हम HCl, यानी कि HNO3 और HCl का अनुपात होगा 1:3। इस अनुपात में जो मिश्रण बनता है ये दोनों को मिलाने से वह कहलाता है अम्लराज या एक्वारेजिया। सोना किसी ना तो पर्सनली अम्ल में घुलता है अकेले में, ना क्षार में घुलता है, लेकिन अम्ल राज के अंदर सोना घुल जाता है। नेक्स्ट, H2SO4 ये तो अम्ल राज है, कौन सा? HNO3 और HCl का मिश्रण, एक भाग HNO3 तीन भाग HCl मिलकर क्या बनाता है? अम्लराज या एक्वारेजिया। H2SO4 अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं बच्चों इसे, सल्फ्यूरिक अम्ल, और यह है अम्लों का राजा। अम्लराज नहीं बोलेंगे इसको, अम्लों का राजा। अम्लराज तो HNO3 और HCl का मिश्रण है, यहां पे अम्लों का राजा क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो H2SO4 अम्लों का राजा है। ठीक है बच्चों, तो ये भी हमने बताया अम्लराज। अम्लराज कौन था? HNO3 और HCl का मिश्रण, और सल्फ्यूरिक अम्लों को कहते हैं अम्लों का राजा। अब नेक्स्ट, ये अम्लों के उपयोग हमने देख लिए थे, अब हम देखेंगे क्षारों के उपयोग। तो क्षारों का जो उपयोग होता है प्रमुखता से, क्षारों के प्रमुखता से उपयोग उद्योग धंधों में होता है बच्चों, उद्योग धंधों में। साबुन अपमार्जक के बनाने में किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग, तो साबुन अपमार्जक बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? NaOH का। वैसे अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे सबका, लेकिन वैसे देख लेते हैं यहां पर उपयोग में, तो साबुन और अपमार्जक और कागज उद्योग में भी किया जाता है बच्चों इसका उपयोग, कागज उद्योग, कागज बनाने में भी उपयोग किया जाता है। तो साबुन अपमार्जक और कागज उद्योग में किसका यूज किया जाता है? NaOH। NaOH क्या है, याद आ रहा है आपको नाम इसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका उपयोग किसमें किया जाता है? साबुन बनाने में, अपमार्जक बनाने में और कागज उद्योग में। तो हम क्षार जो क्षार है उनके प्रमुख उपयोग बता रहे हैं किसमें है? उद्योग धंधों में। इसी प्रकार देखिए CaOH का होल ट्वाइस, क्या है ये? क्या कहते हैं इसे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसका उपयोग किसमें किया जाता है? मिट्टी की अम्लता, ज्यादा मिट्टी अम्लीय हो जाती है तो मिट्टी की अम्लता दूर करने में, मिट्टी की अम्लता दूर करने में, और पेंट करते हो, सफेदी करते हो पुताई घर में, उसमें भी किसका उपयोग किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। और इसको कीटनाशक के रूप में भी उपयोग किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और उपयोग किसमें किया जाता है? कीटनाशक के रूप में।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कीटनाशक के रूप में, मिट्टी की अम्लता दूर करने में और सफेदी करने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं बच्चों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और इसका उपयोग किया जाता है, एसिडिटी बनती है ना पेट में, ज्यादा तले बूंदी चीजें खा लो, ज्यादा चाय पी लो तो पेट में दर्द होता है, गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, तो उसको दूर करता है ये। तो पेट की अम्लता दूर करने में किसका उपयोग किया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। नोट कीजिए बच्चों, तो ये हमने उपयोग देखे। नेक्स्ट आता है हमें पीएच स्केल। पीएच स्केल बुखार नापते हैं, किसी चीज का टेम्परेचर नापते हैं थर्मामीटर से। इसी प्रकार अम्ल और क्षारों की सामर्थ्य कितने स्ट्रांग है वो नापने के लिए यूज किया जाता है पीएच स्केल। तो सबसे पहले इसकी खोज किसने की है, सोरेनसन ने, वैज्ञानिक है ये सोरेनसन। कई बार पूछ लिया जाता है पीएच स्केल की खोज किसने की, सोरेनसन। और पीएच स्केल अम्ल व क्षार की सामर्थ्य स्ट्रॉन्ग कितने हैं वो सामर्थ्य मापने में उपयोग किया जाता है। देखो आप देख रहे होंगे कि पीएच, पीएच में एक तो पी आ रहा है और एक एच आ रहा है, तो पी जो शब्द है पीएच स्केल में, पी जर्मन में पुसांस से जानते हैं, जिसका अर्थ शक्ति शक्ति होता है, पावर भी बोल देते हैं, पुसान से भी बोल देते हैं, तो जिसका अर्थ क्या है शक्ति। एच हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है। पीएच में पी तो क्या है शक्ति और एच क्या है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। अब पीएच, पीएच क्या है, किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का माप। देखिए पहले उतार लीजिए, भाषा बता दें पीएच की। पीएच
पीएच क्या है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लॉगरिथम, लॉग लेते हैं ना मैथ्स में, लॉग रेथिम, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लॉगरिथम पीएच कहलाता है, पीएच कहलाता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं पीएच बराबर माइनस, यानी कि ऋणात्मक माइनस, लॉगरिथम लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे लॉग, और हाइड्रोजन है तो एच आयन, एच प्लस, और सांद्रता है तो इसको हम लिखते हैं ब्रैकेट में। तो पीएच क्या है? ऋणात्मक लॉगरिथम किसका? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, सांद्रता यानी कि ब्रैकेट। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लॉगरिथम कहलाता है पीएच। जनरली मैंने आपको पहले भी बताया था कि एच आयन फ्री नहीं रहते, ये बहुत सक्रिय होते हैं, तो ये क्या करते हैं, जल से जुड़ जाते हैं और क्या बनाते हैं, H3O प्लस आयन बनाते हैं। तो इसलिए हम यहां पर H3O प्लस आयन की सांद्रता भी लिख सकते हैं। तो हम बता सकते हैं नेक्स्ट, H प्लस आयन अत्यंत सक्रिय है या क्रियाशील है, अतः ये, अतः ये जलयोजित हो जाते हैं, जलयोजित होकर H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन, H3O प्लस आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाइड्रोनियम आयन। अतः हम क्या लिख सकते हैं, पीएच बराबर माइनस लॉग एच थ्री ओ प्लस आयन भी हम लिख सकते हैं। ये तो हम लिखते ही लिखते हैं, लेकिन ये क्या करता है, एच आयन सक्रिय है इसलिए एच थ्री ओ आयन बना लेता है, इसलिए हम इस एच आयन की जगह हाइड्रोनियम आयन एच थ्री ओ प्लस आयन भी लिख सकते हैं। तो ये हमने बताया एच आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लॉगरिथम कहलाता है पीएच। अब हम इस स्केल को देख लेते हैं किस तरीके का होता है ये स्केल, पीएच स्केल कैसे इसे नापा जाता है। देखिए हम एक स्केल बना रहे हैं, एक पेपर टाइप में होता है ये, और इसको डुबोते हैं जैसे लिटमस पेपर करता है, ऐसे ये भी बता देता है कलर के हिसाब से, इसमें कलर्स होते हैं, जैसा पेपर कलर आता है वैसा ही हम उस हिसाब से बता देते हैं। तो देखिए यहां पर ये 0, 7 और 14 पीएच स्केल में, जैसे तुम्हारे स्केल में 15 सेंटीमीटर या इतने सेंटीमीटर होते हैं, ऐसे पीएच स्केल में कितने होते हैं, 14 कॉलम होते हैं। तो देखिए बच्चों, तो ये पीएच स्केल है, अगर हम इस स्केल को इस तरीके से बनाएं, तो देखिए यहां पर जो अम्लता है वो अधिकतम है, धीरे धीरे अम्लता क्या हो रही है, कम हो रही है जैसे जैसे पीएच बढ़ रहा है, और यहां पर अधिकतम पीएच पर इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। तो हम इसको दिखा सकते हैं कि 7 से नीचे अगर पीएच की वैल्यू 7 से नीचे आ रही है, 7 से नीचे कम, तो इधर की तरफ जा रहे हैं, अगर हम 7 से कम होती जा रही है, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, तो अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ेगी, अम्लता बढ़ेगी, अम्लीय गुण बढ़ेगा।
इस तरफ जाने पर क्या होगा, इस तरफ जाने पर 7 से 0 की तरफ अम्लीय गुण बढ़ेगा, और 7 से ऊपर जाएं 7, 8, 9, 10 इस तरीके से, तो यहां पर क्षारीय गुण बढ़ता है। 14 की तरफ जाने पर कौन सा गुण बढ़ता है, क्षारीय गुण बढ़ता है। और अगर किसी की पीएच बिल्कुल 7 है, एग्जैक्ट 7 है, तो वो विलयन होगा उदासीन। कैसा होगा, उदासीन। तो 7 से नीचे जाने पर अम्लता बढ़ती है, अम्लीय गुण बढ़ता है, 7 से ऊपर जाने पे क्षारीय गुण बढ़ता है, और 7 पर विलयन कैसा होता है, उदासीन। तो हम बता सकते हैं इसको, पीएच 7 से कम तो विलयन, 7 से कम होने पर विलयन, 7 से कम इधर की तरफ, तो विलयन कैसा होगा, अम्लीय। पीएच 7 के बराबर तो विलयन उदासीन, और पीएच 7 से ज्यादा तो विलयन क्षारीय। तो ये पीएच स्केल है बच्चों, इसको बनाइए, और ये मैंने आपको लिखवाया है, इसे नोट कीजिए। तो ये पीएच स्केल अगर आपको याद है, समझ में आ गया, तो हम बता सकते हैं कि विलयन कैसा होगा। 3 टेस्ट ट्यूब हैं, 3 परख नली हैं, उनके अंदर 3 विलयन भरे हुए हैं, एक ए विलयन है, एक बी विलयन है, एक सी विलयन है। ए विलयन की पीएच है 5, बी विलयन की पीएच है 13, और सी विलयन की पीएच है 7। आपको 3 परख नली दे दी, उसमें 3 तरीके के विलयन दे दिए, और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए ए में अम्ल है कि क्षार है, बी में अम्ल है कि क्षार है, सी में अम्ल है कि क्षार है, या कैसा विलयन है ये। तो अगर आपको पीएच दे रखी है, तो आप कैसे बताएंगे कि ये अम्लीय है, ये क्षारीय है, और ये उदासीन है, बताइए कैसे बताएंगे। देखिए अभी हमने बताया 7 से नीचे अगर पीएच है तो कितना, कैसा है, अम्लीय। तो 7 से पीएच है 5, तो ये कैसा होगा, अम्लीय। 7 से ऊपर है पीएच तो कैसा होगा, क्षारीय, और 7 है तो विलयन कैसा होगा, उदासीन। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि ये विलयन कैसे होंगे। तो कोई आपसे पूछ ले, क्वेश्चन आ जाए, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो आज हमने देखा पीएच स्केल, नेक्स्ट टर्न पर फिर मिलते हैं आपसे, थैंक यू।